हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो अभी मैं उठ चुकी हूँ, तो सबसे आज मंडे है और आज थोड़ा मार्केट में काम है। डॉक्टर के जाना है, बेबी का चेकअप करवाने जाना है। तो अभी मैं एक बार चाय वाय पी लेती हूँ, बच्चों को ब्रेकफास्ट करवा देती हूँ, घर का काम फिनिश कर लेती हूँ। और चलो मैं आपको एक बार हिमांश को दिखा देती हूँ, हिमांश क्या कर रहा है। हेलो कर दो जल्दी, हाय कर दो, गुड मॉर्निंग कर दो, गुड मॉर्निंग कर, गुड मॉर्निंग। छूटी बाबा, छूटा तो बाबा उठ गया। मेरा मम्मा का बहुत सारा पारा बाबा है, बहुत पारा बाबा है। छुप छुप लोटी है। छोटी लंच हो चुका है और हिमांश के डॉक्टर से कंसल्ट करना है कि उसके सोलोग्राफी की करवानी, तो उसके लिए अपॉइंटमेंट सवा की है। तो अभी 1 बजने वाले हैं, तो अभी हम लोग निकलेंगे यहाँ से। फिर एक बार वो हो जाती है कि डॉक्टर से कंसल्ट करना है। अभी हम लोग रेडी हैं, अभी हम निकल रहे हैं यहाँ से। अभी हम लोग घर पे आ चुके हैं, बेबी की सोनोग्राफी हो चुकी है। अभी डॉक्टर को दिखाया था तो उन्होंने यही बोला कि जो उसकी प्रॉब्लम है वो थोड़ी कम हुई है, बट उन्होंने बोला है कि एक बार सर्जन के कॉन्टैक्ट नंबर दिए हैं, तो उन्होंने बोला है कि एक बार सर्जन को दिखाइए, तो वो क्या बोलते हैं उसके बाद। कल इवनिंग की 5 o'clock की अपॉइंटमेंट है सर्जन की, तो एक बार सर्जन से कंसल्ट करेंगे। उसके बाद मैं आपको अपडेट दूंगी कि उन्होंने क्या बोला है बेबी के हेल्थ इश्यूज से रिलेटेड। लंच करने के बाद मैंने थोड़ी बहुत सफाई स्टार्ट कर दी थी दिवाली की। मैंने पिछले वाले वीडियो में आपसे शेयर किया था कि मैंने प्रीवियनट और शूर की क्लीनिंग करी थी, तो आज मैं सोफ़े की क्लीनिंग कर रही हूँ। तो मैंने डिटर्जेंट लिया है, एक बार मैंने क्लीन कर लिया उसको वैक्यूम से, उसके बाद मैंने डिटर्जेंट लिया, उसमें वाटर ऐड कर दिया और अभी इसको अच्छे से मैं क्लीन कर दूँगी सब साइड से। इससे जैसे हमारा जो सोफ़ा है वो वाइट है, तो इससे क्या क्या होगा कि प्रॉपर क्लीन हो जाएगा। तो मैं इसको अच्छे से सब जगह से क्लीन कर दूँगी। वो पानी लेके जो भी डिटर्जेंट अवेलेबल हो, सर्फ हो, या फिर जैसे हम जो लिक्विड यूज़ करते हैं सर्फ एक्सल लिक्विड है वो यूज़ करते, तो उससे भी काफ़ी हद तक जो गंदा होता है वो क्लीन हो जाता है। तो इस तरह से मैं सोफ़े को भी क्लीन कर लूँगी, इसकी जो गद्दी है उनको भी क्लीन कर लूँगी और मैं वापस इसको प्रॉपर सेट कर दूँगी। इस तरह से आज मैं अभी मैंने कारपेट भी हटा दिया। एक्चुअली पहले क्लीन कराया था बट कोई का डस्ट इतनी आती तो ये दोबारा गंदा हो गया है, तो इसको भी मैंने अच्छे से पहले पानी डाल दिया, फिर जो भी डिटर्जेंट था उसको भी मैंने अच्छे से ब्रश से क्लीन कर लिया है और मैं इसको पानी डाल के इसको अच्छे से वाइप कर लिया। हम जा रहे हैं नीचे घूमने, बहुत टाइम हो गया बारिश, इतने दिनों से पुणे में बारिश है तो नीचे जाने का चांस ही नहीं मिल रहा है। तो आज मैं बीबी को सोच रही हूँ थोड़ा सा नीचे वॉक कराती हूँ, तो क्योंकि बैग घर में रहते तो बच्चा बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाता है, थोड़ा मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा नीचे घूमेगा तो थोड़ा उसको भी अच्छा लगेगा। खा गया।
सो अभी मैं घर आ चुकी हूँ, थोड़ा बहुत नीचे घूम के घर आ चुके हैं। हल्की फुल्की बारिश स्टार्ट हो गई थी। अभी बेबी के खाना बनाना है तो मैं इसके मसाला खिचड़ी बनाने वाली हूँ, फटाफट खिचड़ी बना लेती हूँ। अभी मैं हिमांश के लिए खिचड़ी रेडी कर रही हूँ, तो मैंने यहाँ पे घी ऐड कर दिया है, जो भी वेजीज है वो ऐड कर दी है, जीरा ऐड कर दिया है, उसके बाद जो भी मसाले मुझे ऐड करने हैं वो मैंने ऐड कर दिया है। और अभी अच्छे से मैं इसको थोड़ा मिक्स होनूंगी, थोड़ा पकने दूंगी, फिर जो दाल चावल डाल दूंगी और उसके बाद मैं अपने सीटी ले लूँगी इसकी। अभी उधर हिमाक्ष की खिचड़ी डल रही है, जितने मैं इधर फटाफट घी बना लूँगी। काफ़ी सारी मलाई इकट्ठी हो रही थी तो अभी मैं इसके लिए घी बना रही हूँ। तो ये मैंने एक मिक्सर ग्राइंडर ले लिया है, उसमें मैंने जो भी मलाई है उसको ऐड कर लिया और मैंने अच्छा वाटर ऐड कर लिया है, नॉर्मल वाटर ही मैंने यूज़ किया है। इसको मैं अच्छे से मिक्स कर दूँगी जब तक जो मिल्क है और जो हमारी जो मलाई है वो सेप नहीं हो जाए तब तक। और अभी देखो सेपरेट हो चुकी है, दूध जो है वो अलग हो चुका है और जो हमको मलाई चाहिए वो अलग हो चुका है। सो अभी मैं इसको अलग कर लूँगी, अच्छे से मैं इसको स्विच करके इसको अलग कर लूँगी। और जो मिल्क है वो तो मैं वापस यूज़ में नहीं ले सकती हूँ, चाहे तो उसकी हम छाछ भी बना सकते हैं। तो एक्चुअली मैं थोड़े थोड़े मतलब 7 या 10 दिन में मैं घी बनाती रहती हूँ, तो जैसे ही मलाई इकट्ठी हो जाती है मैं उसका घी बना लेती हूँ। सो अभी ये रेडी है, थोड़ा बहुत इसमें मुझे मिल्क और दिख रहा है तो मैं अच्छे से इसको स्विच कर लूँगी और जो एक्स्ट्रा मिल्क है उसको मैं हटा दूँगी। अभी मैंने इसको गैस पर रख दिया है और मैं इसको लो फ्लेम पर ही रखूँगी, क्योंकि हाई फ्लेम पर रखते हैं तो क्या होता है साइड से चिपक जाता है, उससे घी कम आता है। और साथ साथ में लो फ्लेम पर रखने से ना हम बार बार काम भी करते रहेंगे, उसको कंटिन्यूसली चलाते भी रहेंगे तो चिपकता भी कम है, क्योंकि साइड में चिपक जाएगा तो घी की क्वांटिटी जो है वो कम हो जाती है। सो अभी मैंने इसको लो पे रखा हुआ है और मैं अपना एक्स्ट्रा काम भी करती हूँ, किचन के दूसरे काम होते हैं वो भी करती जाती हूँ और साथ में मैं इसको मिक्स भी करती रहती हूँ। ज़्यादा 15-20 मिनट में ये 15 मिनट लगते हैं, अगर आप लो पे रखेंगे तो 15 मिनट लगेंगे। सो मैं इसको कंटिन्यूसली देखती भी रहूँगी। अभी थोड़ी देर में हमारा जो घी है वो बन के रेडी हो जाएगा। तो अभी जो घी है वो रेडी है, साइड में सेपरेट हो गया है तो घी मेरा रेडी है। अभी इसको मैं गैस जो है उसको बंद कर दूँगी, थोड़ा ठंडा होने दूँगी, फिर मैं इसको किसी में फिल कर लूँगी। और अभी इसके बाद में मैं जो मेरी वार्डरोब है उसको क्लीन कर रही हूँ, बच्चे के बहुत सारे कपड़े जो है वो छोटे हो गए हैं तो मैं उन कपड़ों को सेपरेट कर दूँगी और जो उसके काम के कपड़े वो रख दूँगी। और मेरी भी कुछ क्लोथ्स ऐसे हैं जिसकी किसी की फ़िटिंग करवानी है तो वो मैं देखूँगी, मैं फ़िटिंग के लिए भी दूँगी, दिवाली भी आ रही है। सो बच्चा भी सो रहा है। आज का वीडियो हम यहीं एंड करते हैं, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बाय बाय।